आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजिनेज, ऑक्सीजन और एनर्जी, इनका जो ट्राइंगल है। ये आपने आज की इसको मोहब्बत के ट्राइंगल जो है वो सुने होंगे, तो ये भी जो है वो एक वैसा ही एक ट्राइंगल है। देखिए इसमें नाइट्रोजिनेज जो है उसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए चाहिए जो ऑक्सीजन, ओके, एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए कैरी ऑन करवानी पड़ेगी रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए। और दूसरी तरफ नाइट्रोजिनेज जो है वो ऑक्सीजन से सेंसिटिव है, वो ऑक्सीजन में बहुत जल्दी डैमेज होता है, तो ये एक ट्राई एंगल बनती है कि यहाँ पे नाइट्रोजिनेज को एनर्जी भी चाहिए, एनर्जी के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और दूसरी तरफ नाइट्रोजिनेज ऑक्सीजन से डैमेज भी हो रहा है। तो ये जो है वो सारे का सारा प्रोसेस जो है वो कैसे कैरी ऑन होता है, कैसे रेगुलेट होता है कि एनर्जी भी प्रोवाइड करनी है, ऑक्सीजन से भी बचा के रखना है, तो इस ट्राइंगल के बारे में बैक्टीरिया वगैरह जो है वो कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाते हैं, वही जो है वो आज का हमारा जो है वो डिस्कशन हो। तो सबसे पहले तो जो है वो देखेंगे जो कैरी ऑन देखेंगे कि क्या जो है वो एनर्जी की कंजम्पशन करता है, कि जब नाइट्रोजिनेज जो है वो एक्चुअली रिएक्शन को क्या कर रहा होता है, कैटालाइज जो है वो कर रहा होता है। तो देखिए नॉर्मली जब हम इक्वेशन लिखते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की, तो हम लिखते हैं 16 ATP है, तो 16 ATP तो श्योर है मिनिमम जो कंजप्शन हो रही है ATP की वो क्या है, 16 ATP है, जो कि नाइट्रोजिनेज को जो है वो अवेलेबल किए जाते हैं और उनको इस्तेमाल करता है, फिर जो है वो आगे क्या कर रहा होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। वो ये तो वो ATP है जो कि क्वेश्चन में लिखे जाते हैं, लेकिन ATP की कंजप्शन इससे कहीं ज्यादा है। कैसे, देखिए जब अपने रिएक्शन पढ़ा था तो उसमें हमने कहा कि नाइट्रोजिनेज जब कैटालाइज कर रहा होता है इस रिएक्शन को, नाइट्रोजन फिक्सेशन को, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने के लिए एक रिड्यूसिंग पावर आती है जिसको हम कहते हैं फेरिडॉक्सन। तो फेरिडॉक्सन भी तो किसी खाते में आता है ना, फेरिडॉक्सन भी तो किसी जो है वो समझ लें कहीं से एनर्जी जो है वो लेके आया, यहाँ पे ना आता, नाइट्रोजिनेज को अपनी एनर्जी वो ना देता तो वो कहीं और जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता, वहां पे अपने इलेक्ट्रॉन को फ्लो करता, ATP प्रोड्यूस करता, लेकिन वो क्या कर रहा है, यहाँ पे आके अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो फेरिडॉक्सन को भी तो हम किसी एनर्जी के खाते में डालेंगे, तो इसको जितने एनर्जी खाते में डालते हैं जितनी यहाँ पे फेरिडॉक्सन आते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि वो इक्विवेलेंट होते हैं किसके, 9 ATP के। तो 16 तो वो है जो के इस्तेमाल कर लिए थे बजाते खुद किसने, नाइट्रोजिनेज ने। फेरिडॉक्सन के भी अगर हम डाल लें तो 9 जो है वो ये आ जाएंगे। फेरिडॉक्सन के हम किस तरह ले रहे हैं कि फेरिडॉक्सन जो है वो बजाते खुद एक रिड्यूसिंग पावर है जो कि किसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके वहां पे अपने इलेक्ट्रॉन फ्लो करता तो वो भी ATP प्रोड्यूस करता, तो वो ATP भी तो जाया हुए ना, तो वो ATP जो है वो हम कितने के इक्विवेलेंट करें, 9 ATP के। तो ये 9 ATP ये डालें तो टोटल हमारे पास जो आ जाती है फिर कंजप्शन ATP की वो कितनी, 25, जो हम कैलकुलेट कर पाते हैं, इससे भी कहीं ज्यादा आती। तो लेकिन इससे ज्यादा बेटर है कि हम जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो एनर्जी की कंजप्शन आ रही है उसको हम कार्बोहाइड्रेट के जुमरे में लें। देखें जब भी प्लांट ने नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ जो है वो बनाया हुए हैं रूट नडीबुल, वहां पे रहते हुए बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं, तो वहां पे जो नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं तो उन बैक्टीरिया को जो है वो अपनी एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो उठ के कहीं बाहर से तो लेने नहीं जाते हैं, वो उनको कौन प्रोवाइड करता है, वो उनको प्रोवाइड करता है होस्ट प्लांट। तो जैसे वो कार्बोहाइड्रेट बना रहा है उसके लिए भी तो वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है ना, वो जितने ATP वगैरह जो है वो अपने फोटोसिंथेसिस में बना के उनसे वो क्या बना रहा है, कार्बोहाइड्रेट, और उनको वो मेटाबोलाइज करवा रहा है, मोबिलाइज करवा रहा है किसकी तरफ, को बैक्टीरिया की तरफ। तो कहते हैं कि 12 ग्राम कार्बन जो प्लांट फिक्स करता है वो इस्तेमाल हो जाती है बैक्टीरिया के अंदर जाके 1 ग्राम नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए, कि 12 ग्राम फिक्स्ड कार्बन जो है जो प्लांट के अंदर कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में मौजूद है वो जो है वो इस्तेमाल हो जाती है जस्ट कितनी नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए, 1 ग्राम नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए, दैट इज हाई एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो प्लांट
प्लांट जो है उसको जब मोबिलाइज करवाता है तो उसको मोबिलाइज करवाने के लिए भी एनर्जी का इस्तेमाल होता होगा, वो एनर्जी तो जो है वो किसी अकाउंट में अभी तक नहीं आ रही। तो यहाँ पे अगर हम टोटल एनर्जी की कंजम्पशन देखें तो हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा हाई है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, क्योंकि बैक्टीरिया जो उसको नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए प्लांट ने जो है वो अपने अंदर रखे हैं, तो वो उसको काफी ज्यादा महंगे पड़ रहे हैं, लेकिन नाइट्रोजन जो बदले में उसके लिए फिक्स हो रही है वो उसका समझ लें क्या है, निर्मल बदल। बाद अब हम देखेंगे सेंसिटिविटी किसकी, नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम की, जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजिनेज। सेंसिटिविटीज की ऑक्सीजन के बारे में क्या है कि जो दोनों किस्म की इसके अंदर प्रोटीन पाई जाती हैं, MOFE प्रोटीन और FE प्रोटीन, दोनों जो है वो हाईली डैमेजिंग है किससे, ऑक्सीजन से। इनको जैसे ही हम जो है वो माहौल में एक्सपोज करते हैं तो FE प्रोटीन की जो हाफ लाइफ है वो तो 10 to 30 to 45 सेकंड है। हाफ लाइफ जो है वो एक्सपोज्ड जो है वो इसकी एक्सपोज्ड फॉर्म में इस प्रोटीन की, जिसको हम एफी प्रोटीन कहते हैं, स्मॉलर यूनिट जो है इसकी, तो 30 to 45 सेकंड जो है इसकी हाफ लाइफ है। अगर इसमें जो है वो ये क्या हो जाएगा, आधा जो है वो डैमेज हो जाएगा। इसी तरह हाफ लाइफ जो है वो MOFE प्रोटीन की वो 10 मिनट है, उससे थोड़ी ज्यादा, लेकिन 10 मिनट के अंदर जो है वो ये क्या हो जाती, डैमेज होना शुरू हो जाती है इन एक्सपोज्ड फॉर्म, जब एयर के साथ एक्सपोज की जाती है। एयर के साथ एक्सपोज करने का क्या मतलब है कि ऑक्सीजन के साथ इसको जब क्या किया जाता है, एक्सपोज किया जाता है। तो फिर मसला क्या है, यहाँ मसला यहाँ पे ये है कि देखें, एक तरफ तो इतना हाई एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, 25 के करीब ATP जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो है वो एनर्जी के लिए भी ये सेंसिटिव है नाइट्रोजिनेज, तो फिर यहाँ पे ये कितनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि ऑक्सीजन जो है वो इसको डैमेज करती है, और ऑक्सीजन ने ही ATP बना के देने है प्लांट को या बैक्टीरिया को, तो फिर ये कैसे जो है वो मैनेज किया जाता है कि ऑक्सीजन को भी रहते रखा जाए और दूसरी तरफ जो है वो एनर्जी की जो प्रोडक्शन है उसको भी जो है वो मीट किया जाए फॉर नाइट्रोजिनेस। तो हम देखते हैं स्ट्रेटजीज, प्रोकैरियोट्स की स्ट्रेटजीज जो उन्होंने अपनाई हुई है कि इस प्रॉब्लम के साथ कॉप करने के लिए। पहली स्ट्रेटजी तो देखें वो ये है कि बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, फ्री लिविंग जो बैक्टीरिया है वो है ही एनारोबिक, उन्होंने ऑक्सीजन से वैसे ही जान छुड़ा ली, तो वो एनारोबिक तरीके से जो है वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन को वो अब्जॉर्ब भी नहीं करते, और नाइट्रोजनेस को जो है वो ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल ही नहीं हो पाती कि जो उसको क्या कर सके, डैमेज कर सके। तो लेकिन यहाँ पे एक दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है कि जब एनारोबिक तरीके के साथ जो है वो अपने कार्बन उसको जो है वो ब्रेक करना है कार्बोहाइड्रेट को, तो उसमें से तो इतनी एनर्जी नहीं निकलती, तो फिर जो है वो नाइट्रोजनेज को चाहिए भी एनर्जी। तो इसीलिए जो है वो क्या है कि देखिए, इतनी ज्यादा नंबर होने के बावजूद, इन प्रोकैरियोट्स की इतनी ज्यादा तादाद होने के बावजूद भी ये उतनी ज्यादा नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर पाते जितनी के सिंबायोटिक एसोसिएशन में मौजूद बैक्टीरिया जो है वो फिक्स करते हैं। इस किस वजह से, ये मोस्टली क्या है, एनारोबिक है, और एनारोबिक तरीके से ये इतनी ज्यादा ATP नहीं प्रोड्यूस कर पाते, जब ATP नहीं इतनी ज्यादा प्रोड्यूस कर पाते तो फिर नाइट्रोजन इसको तो ATP चाहिए काम करने के लिए, वो तो ATP के बगैर काम नहीं करेगा, तो फिर ये उतना ज्यादा नाइट्रोजनेज इनके अंदर वर्क भी नहीं करता, तो इनकी जो ओवरऑल नाइट्रोजन फिक्सिंग की कैपेसिटी है वो भी क्या हो जाती, कम हो जाती है। तो बेशक इनकी तादाद जो है वो काफी ज्यादा भी है, लेकिन फिर भी ये उतनी ज्यादा नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर पा रहे जितनी के एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो फिक्स करेंगे। तो अब हम दूसरी स्ट्रेटजी पे अब आ जाते हैं जो कि अपनाई हुई है किसने, साइनोबैक्टीरिया ने। इन्होंने क्या किया है जनाब, इन्होंने ये किया है कि साइनोबैक्टीरिया का आपको याद हो कि चेन होती है, ट्राइकोम होती है, लॉन्ग चेन होती है, तो इन्होंने क्या किया है कि अपनी चेन के अंदर सेल ही स्पेशलाइज्ड कर लिया, सेल स्पेशलाइज्ड कर लिया, जिसको कहते हैं हेटरोसिस्ट, जो कि येलोइश कलर का जो है वो हमें इसमें नजर आता है, साइज में थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है, और उसके इर्द गिर्द जो सेल वाल है उसकी लेयर जो है वो बढ़ा दी जाती है, तो थिक वाल होता है ये निस्बत है, तो ये नाइट्रोजन इसके अंदर फिक्स करते हैं, नाइट्रोजनेज उन्होंने यहाँ पे रखा हुआ, तो यहाँ पे ये सेल जो है वो ऑक्सीजन को कैसे लेस रखता है अपने अंदर, ये रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज को तेज कर लेता है। देखिए रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज जो है वो डुअल रोल प्ले कर रही है, एक तो इसके लिए ऑक्सीजन चाहिए है, तो दूसरा जब इसको स्पीड अप कर लिया जाए तो ये फौरन ऑक्सीजन को इस्तेमाल करती जाएंगी, और ऑक्सीजन की जो सेल के अंदर मौजूदगी है वो भी क्या हो जाएगी,
कम हो जाए, जितनी तेज रेस्पिरेशन कैरी ऑन होगी उतनी ज्यादा तेजी से ऑक्सीजन इस्तेमाल होती जाएगी और सेल के अंदर उसकी अमाउंट क्या रहेगी, लेस रहेगी। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन डुअल जो है वो डुअल रोल प्ले कर रहा है, स्पीड अप कर दें तो ऑक्सीजन को लेस भी कर देगा और इसके लिए चाहिए भी क्या, ऑक्सीजन। तो हेट्रोसिस्ट जो है वो क्या कर रहे हैं, वो अपने अंदर रेस्पिरेशन को उन्होंने तेज किया हुआ, जब तेज रेस्पिरेशन हो रही है तो ऑक्सीजन की जो है वहां पे समझ रहे अमाउंट जो है वो सेल के अंदर वो क्या रहती है, लो रहती है, और वो फिर नाइट्रोजिनेज जो है वहां पे इजीली क्या कर सकता है, वर्क कर सकता। और जो इन्होंने अपने अंदर जो चेंज पैदा किया वो ये है कि फोटो सिस्टम टू नहीं है इनमें, इनमें सिर्फ क्या है, फोटो सिस्टम वन है। अब जो है वो लाइट रिएक्शन जो है वो फोटोसिंथेसिस का देखा, अगर नहीं देखा तो जो है वो ना वो इसी चैनल में जो है वो आप लाइट रिएक्शन जो है वो फोटोसिंथेसिस का वो एक दफा देखें, तो वहां पे जो है ना वो दो फोटो सिस्टम इस्तेमाल होते थे, फोटो सिस्टम टू एंड फोटो सिस्टम वन। फोटो सिस्टम टू जो है वो असल में वो जगह होती है जहां पे वाटर आके ब्रेक करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है, तो इनके अंदर फोटो सिस्टम टू ही नहीं रखा, फोटो सिस्टम टू ही नहीं है तो फिर ऑक्सीजन जो है वो भी रिलीज नहीं होगी, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, मतलब ना फोटो सिस्टम टू होगा ना जो है वो ऑक्सीजन जो है वहां पे क्या होगी, रिलीज होगी। फोटो सिस्टम वन है, वन के रखने का क्या फायदा है, देखिए फोटो सिस्टम वन जब एनर्जी को यूज करते हुए साइकिल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो फ्लो करवाता है, दो तरह के इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं लाइट रिएक्शन में, एक नॉन साइक्लिक और एक साइक्लिक। जब साइक्लिक तरीके से जो है वो फ्लो करते हैं ना ये इलेक्ट्रॉन फोटोसिंथेसिस में, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हम उसको कहते हैं, तो उसके नतीजे में क्या फॉर्म करते हैं, उसके नतीजे में फॉर्म करता है एटीपी, तो वो एटीपी जो है वो भी अवेलेबल हो रहे हैं और साथ साथ जो है वो ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं हो रही, तो एटीपी जो है वो भी किसको फिर प्रोवाइड किए जाते हैं, नाइट्रोजिनेज को, वो क्या करे, नाइट्रोजन को फिक्स करे। तो ये हेट्रोसिस्ट जो है जो साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं उनकी स्ट्रेटजी है कि तेज रेस्पिरेशन करते हैं और फोटो सिस्टम टू को जो है वो अपने अंदर उन्होंने रखा ही नहीं है और फोटो सिस्टम वन से वो एटीपी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। थर्ड स्ट्रेटजी जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में पाए जाने वाले राइजोबिया बैक्टीरिया जो है वो अटेन करते हैं, वो उसके लिए उनको जो है वो हेल्प चाहिए होती है किसकी, होस्ट प्लांट की। कैसे, होस्ट प्लांट वहां पे एक प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है जिसको हम कहते हैं लैग हीमोग्लोबिन। लैग हीमोग्लोबिन जो है ये प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को बांड करने की सलाहियत रखती है, तो ये ऑक्सीजन को ऐसे खुलेआम सेल के अंदर राइजोबिया के अंदर नहीं छोड़ देती कि जाओ जो है वो जाके जो है वो इस्तेमाल होती रहो रेस्पिरेशन में जो है वो, या फिर नाइट्रोजिनेज को डैमेज करती रहो, ये अपने साथ जो है वो बांड करके रखती है किसको, ऑक्सीजन को, और यही इसकी सबसे बड़ी खसूसियत है और यही जो है वो बैक्टीरिया को इस काबल बनाती है कि बैक्टीरिया जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई भी लेते रहें और नाइट्रोजिनेज तक ऑक्सीजन जो है वो पहुंचने भी ना पाए। तो लैग हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को जब बांड करके रखेगी तो कंट्रोल मैनर में रिलीज करेगी, कंट्रोल मैनर का मतलब वहां पे रेस्पिरेशन क्या है, वहां पे जो है वो जाके इसको तो जितनी नीडेड अमाउंट के अंदर जो है उसको क्या करती जाएगी, रिलीज करती जाएगी, तो नाइट्रोजिनेज जो है वो भी ऑक्सीजन से बचा रहेगा और बैक्टीरिया जो है उनको अपने एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए जो है वो क्या अवेलेबल होती रहेगी, उनको अवेलेबल होती रहेगी ये ऑक्सीजन। तो लैग हीमोग्लोबिन यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ये प्रोटीन वैसी है जैसे कि हीमोग्लोबिन पाई जाती है ह्यूमन में, दूसरे एनिमल वगैरह में, ये भी रेड कलर की है, तो ये बैक्टीरिया को क्या प्रोवाइड कर रही होती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही होती है इन कंट्रोल मैनर के, नाइट्रोजिनेज को डैमेज भी नहीं करना और रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर देनी है, क्योंकि इसके अंदर ये कैपेसिटी है कि ऑक्सीजन को बांड कर सकती है। तो लैग हीमोग्लोबिन जो कि बताते खुद जो है वो रेड कलर की है, तो इसकी वजह से जो ओवरऑल नड्यूल जो होता है बैक्टीरिया जहाँ पे रह रहे होते हैं प्लांट की रूट्स में, तो वो रूट नड्यूल जो होता है वो पिंकिश नजर आता है, पिंक कलर का जो वो नजर आता है, और उसका पिंक होना ही इस बात की दलील होता है कि यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्स हो रही है, क्योंकि वहां पे लैग हीमोग्लोबिन है और लैग हीमोग्लोबिन जो है वो बैक्टीरिया को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही है, तो इसका मतलब बैक्टीरिया जो है वो लिविंग है और नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं, इसीलिए तो प्लांट जो है वो उनको क्या प्रोवाइड करता जा रहा है, लैग हीमोग्लोबिन फॉर द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो यही जो है वो इंडिकेशन भी होती है कि जो नोड्यूल है वो क्या कर रहा है, प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। तो ये हमने डिफरेंट किस्म की स्ट्रेटजीज देखी प्रोकैरियोट्स की जो उन्होंने अपनाई हुई है कि ऑक्सीजन जो है वो उसको भी कम से कम जो है वो नाइट्रोजनेज को डैमेज करने दिया जाए और साथ में एटीपी की प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीजन को भी अवेलेबल
क्या रस्म। उम्मीद है कि ये सारे लेक्चर की आपको जो है वो समझ आई होगी। फर्दर जो है वो आप जो है वो लेक्चर्स के लिए चैनल जो है उसको नाज़मी जो है वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।